अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ हुमस, जो कि अरेबियन डिश है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बॉयल्ड चने लिए हैं 1 कप। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ आइस क्यूब्स। आइस क्यूब डालने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाएगा। सॉल्ट शामिल करूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा सिरका। आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी चॉप्ड गार्लिक, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सफ़ेद तिल 1 टेबलस्पून, यानी कि सेसमे सीड। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप इसको ब्लेंडर में भी डाल के कर सकते हैं। मैंने इसको फूड प्रोसेसर में डाला है, चॉपर में भी चॉप हो सकता है ये। बस हमने इसकी पेस्ट बनानी है। 5 मिनट में इसको ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा और इसकी पेस्ट बन जाएगी। हुमस में आप सफ़ेद तिल की बजाय तहीनी सॉस भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। तहीनी सॉस भी सफ़ेद तिल और ऑलिव ऑयल से ही बनती है। यहाँ पर हुमस रेडी हो चुका है। अब मैं बाकी चीज़ें रेडी करूँगी इसके साथ। यहाँ पर मैंने लिया है गार्लिक पाउडर 1 टेबलस्पून। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मैं इसके अंदर डालूँगी ड्राइड पार्सले, थोड़ा सा ऐड कर लें। तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इन स्लाइसेस को मैं लंबाई के रूप में काट लूँगी इस तरीके से। अब जो मैंने ऑलिव ऑयल और गार्लिक पाउडर का मिक्सचर रेडी किया था, ब्रश की मदद से मैं इसके ऊपर इसको इस तरीके से लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। अब उसके अंदर जो मैंने ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर ऑलिव ऑयल का मिक्सचर लगाया था, उसको अब मैं इस पर टोस्ट कर लूँगी। यहाँ पर ये बड़े अच्छे तरीके से टोस्ट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर लिए है कुछ चेरी टमाटोज। चेरी टमाटोज को मैं हाफ कट कर लूँगी और एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इन चेरी टमाटोज को मैं रोस्ट कर लूँगी।
इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर शामिल करूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट भी डालूँगी ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। यहाँ पर टमाटोज़ बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं इनको डिश आउट करूँगी। अब मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ हुमस पे, थोड़ा सा गार्निश करने के लिए। ऊपर से मैं डालूँगी पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी और थोड़ा सा ही मैं इसके अंदर पार्सले, ड्राइड पार्सले भी ऐड कर दूँगी, उससे भी बड़ी अच्छी सी इसकी लुक आ जाएगी। यहाँ पर मैंने एक मिंट का लीफ रखा है इसके ऊपर। ये मेरा हुमस रेडी हो चुका है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।